हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी तक ना मेरे हाथ पे गैविनी का नाम लिखा था, इनका और मेरा, तो ये अभी तक हट ही नहीं रहा, पक्का ही हो गया। और आज मैंने पहना है पर्पल कलर का सूट, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी फ्रेंड ने दिया था मेरी शादी पे, बट मुझे मौका आज मिला ये पहनने का। मैंने एक बार ही पहना था बस थोड़ी देर के लिए, बट आज फाइनली मैंने पहना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पहना है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मेकअप भी करा आज, पूरा नहीं वर्क करा, मतलब करा है मैंने, अच्छा लग रहा है। पर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सूट पहन के ना, आज अच्छा अच्छा लग रहा है। नीचे मैंने इसके गोल्डन कलर की अपनी पहन ली, और सॉक्स का कोई मैच नहीं है, बट स्टिल आई एम लुकिंग गुड। मैंने जूड़ा कर लिया रफ सा, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। और जैसे मैंने नया लगाया है क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो सारे काम हो चुके हैं मैं यहाँ पर। आज मैं उठ गई थी 8 बजे, क्योंकि सब जल्दी उठ जाते हैं और यहाँ पर काम जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं जल्दी उठ के सारे काम करके बहुत ही जल्दी फ्री। 10 बजे मैंने नहा भी लिया था और सब कुछ हो गया। बस अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। इन्होंने खाना है पोहा, तो पोहा बनाना पड़ेगा, तो पोहा बनाती हूँ मैं। और साथ में परौंठियाँ बनानी है और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है दीदी ने। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, क्योंकि अब लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो जब दो किचन हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। मेनली वैसे खाना ऊपर ही बनता है, नीचे कम बनता है। तो मैं नीचे आई हूँ पोहा लेने इनके लिए और फिर ऊपर जाएंगे। ये रहा, शुक्र है ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, ऐसी हाथ में आ गया। वाह, कितनी खुशी हो रही है। परौंठियाँ मेरी बन चुकी हैं, तो बना रही मैं पोहा। चलो करें स्टार्ट। ऑयल क्या पोहा बन चुका है, दीदी लेके जा चुके हैं नीचे और अब हम सब बैठ के खाएंगे खाना। तो मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। मुंह दिखाई करनी जरूरी होती है, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, जल्दी नहीं आए तो कुछ नहीं, गोली मार दूंगी। ठीक है, ठीक है, जा तो रहे हो, भटकना नहीं है, सीधा घर आना है। 5 बजे का टाइम दिया है तो मुझे नहीं पता, वो तो दिख ही रहा है अकेले जा रहे हैं। हाँ तो 5 बजे का टाइम दिया है, 5:10 तक घर। चलो ठीक है, जल्दी आना। मैं तो आना है बोल दो। हम मुझे तो समझ में आ रही है सारी बातें, ऑडियंस को कैसे आएगी हमारी, सब्सक्राइबर्स को कैसे आएगी बात सारी, समझ जाते हैं। नहीं समझते वो पंजाबी, वैसे इजी तो है बट फिर भी जरूरी गल करनी है पंजाबी। आजकल सबको आती है, गाने नहीं सुनते। चलो यार अब जाओ, अब आप एक तो इतना फिर गाने लगाने बैठ गए हो, जाओ बाय। हैं जल्दी आ जाओगे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है बाय। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाने थे तो ये वो करवाने गए हैं। और धूप तो निकली हुई है, मम्मा पापा बाहर धूप सेक रहे हैं, बाहर बैठ के गार्डन में जो हमारा सामने वाला है वहाँ पे। और मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ा सा धूप आ रही है, हल्की हल्की अच्छी लग रही है, बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सो जाऊँ क्योंकि मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं। रोटी पानी हमने खा लिया है और ये आएंगे शाम को 5 बजे। अभी कितने टाइम, अभी क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ 1:30 हो रहे हैं और मैं बहुत जल्दी फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैं लगूँगी सोने, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी और मैं रात को भी लेट सोई थी, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे को खांसी बहुत आ रही है उसकी वजह से। तो पर अब ये है कि मैं बस अब सोऊंगी थोड़ी देर, अगर नींद आ जाए तो, नहीं तो मैं अपनी एडिटिंग करूंगी। सुबह से गया भी नहीं था क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था और अब शाम हो चुकी है। शाम होने के बाद हमने चाय भी पी ली है और ये लड़का खेलने गया हुआ था और ये अब आ चुके मेरे पास और अपनी बातें बता रहा है मुझे स्कूल की। आज एग्जाम था, कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया सच में? सच में। चलो अच्छी तो बात, कोई चीटिंग नहीं करी, कोई चीटिंग नहीं करी, इससे साफ पता चलता है कि चीटिंग की थी, क्योंकि चीटिंग की तो बात ही नहीं करी। हमारा आज इंग्लिश का टेस्ट था, मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं करी। अच्छा जी, वो मैंने जो लेसन 10 था ना, हाँ। उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मैंने करी थी चीटिंग।
समझ गए, हम समझ गए भाई कि चीटिंग करी थी लड़के ने, इसे पता लग गया हमें। मैं स्कूल में क्ले लेके गया था। हैं? अच्छा, तो अभी मैं करने लगी हूँ दूध बॉईल। तो अभी कैमरा सेट कर दिया है, अगर कोई बात करनी है तो आप इधर से कर सकते हो। है हाँ। मैं ना है क्या, आप भी आओ, आप भी आओ। मैं इधर ही हूँ, ठीक है बोलो। मैं ना स्कूल में ना मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। अच्छा। और मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। हाँ। मैम मेरे पे इतना चिल्लाई। हाँ। पूछो मत आप। अच्छा, वो जो लड़की ना सुरभि नाम की हमारी क्लास में। हाँ। उसने ना कितनी छुट्टियां ली, कितनियां ही ले ली अगली बार से ध्यान रखना, आपका वर्क इनकम्प्लीट होगा। अच्छा। मैं तो मार दूंगी आपको, कोई बात नहीं। अच्छा, मैम ने पार्शियलिटी करी। हाँ, मतलब वर्क इनकम्प्लीट रह जाता है ना। हाँ। तो कंप्लीट करवाना होता है। हाँ। तो ना मैं अगर मैम मेरा ना वर्क इनकम्प्लीट है, मैंने 2 दिन की छुट्टी थी, मैं मेरा पैर टूट गया था। पैर टूट गया था? अरे पैर नहीं टूटा था, मेरे पैर में मोच आ गई थी मैम। अच्छा बेटा, मेरे को तो देखो मेरे को पता नहीं, आपका खुद का आपका काम है, आप खुद जाके ले लो किसी बच्चे से। अगर आपकी मैम ने ब्लॉग देख लिया तो फिर तो क्या, मेरी मैम क्या कर लेगी मेरा कौन सी मैम की बात, क्लास टीचर? क्लास टीचर नहीं, हिंदी वाली मैम। हिंदी वाली पसंद नहीं है, टिंकू मैम। टिंकू पिंकी मैम, पिंकी कैसा सा नाम है, कुछ और होगा नाम। नहीं पिंकी मैम ही है। पिंकी मैम, नीलू मैम बहुत अच्छी है। नीलू मैम की टीचर? अच्छा, इंग्लिश की टीचर अच्छी होती है वैसे। मेरी भी इंग्लिश की टीचर अच्छी थी सारी। हमारी जो क्लास, ये दूध ले लो, इसमें से क्ले उछाल लो, कहीं अंदर जाए। अरे ऐसा मत कर दियो, वो बाद में देखे ये दूध कलरफुल कैसे हो रहा है। ये फिर तुझे पिलाएंगे क्ले वाला दूध? नहीं नहीं, ये फट नहीं रहा, ये हार क्या हो रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे यार ये पता नहीं कहां से कैंची सही नहीं चल रही। तो छोटी छोटी चीजों की अनबॉक्सिंग मत किया करो, दूध अभी इसके टाइटल रखते दूध अनबॉक्सिंग गाइस। अच्छा टाइटल है दूध अनबॉक्सिंग, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना, दूध अनबॉक्सिंग, यही रख दो इसका। लोग आईफोन अनबॉक्सिंग करते हैं, अपन दूध की अनबॉक्सिंग करेंगे। अरे मैं तो जैसे बातें कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो अपना काम भी कर ले साथ साथ। तो वह ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है ऐसे ना रखते। हाँ तो रुको रुको, ऊपर से ऊपर से। हाँ वो वैसे कर लो, पर कैंची तो चले। कैंची तो खराब है। अरे ये कौन ले रहे हो, वो वाली है नहीं, नहीं है वो, पता नहीं ऊपर है शायद। दूध बॉइल करके हम ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर आ गए हैं, ऊपर से नीचे नहीं आए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, रोस्टिंग? नहीं, अब हम करेंगे हवन। अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी हवन भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी क्या करेंगे। अरे अब हम दोनों हो रहे हैं चाची भतीजा बोर, क्योंकि दाल है दीदी ने बना दी है, तो अब मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे ऐसी बात नहीं है, रोटियां बनानी है, बट वो भी नहीं बनाऊंगी, वो भी दीदी बना देंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, नहीं तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन। मैं स्केट्स चला के दिखाऊं? तो मैं नेल्स करवा लेती हूँ ना, तो मेरे हाथ ऐसे ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे बातें करना, ऐसे मुझे अच्छा लगता है नेल्स दिखाना अपने। क्या हुआ, इधर आ, इधर आ क्या छुप छुप के देख रहे थे तुम मुझको, क्या देख रहे थे तुम, जल्दी बताओ लड़के। मैं आपके नाखून तोड़ने की सोच में था। कैसे? आज हमारे घर में केक आया हुआ है और हम उसको देख रहे हैं, हमारा इतना खाने का मन कर रहा है, इतना इतना वो केक क्यों आया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो मैंगो केक है, वो मैंगो केक, मैंगो केक है, मैंगो केक मंगो, तो मंगो, वो ना कल मैंगो कल, ये देखो मैंने चाची चाची के हाथ पे चाचू और इनका नाम मैंने बताया था। हाँ, तो अभी तक नहीं हटा ये, कल रात को लिखा था। तो कल हम तो कल जेठ जी का बर्थडे, मेरे कल जेठ जी का बर्थडे था, मतलब गैवी के पापा का बर्थडे था, मेरे पापा का बर्थडे था। हाँ हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरे पापा का बर्थडे था, था हाँ तो था, पर केक वो कल गए हुए थे तो वो कल रात को बहुत ज्यादा लेट आए हैं, तो हम कल केक कट नहीं कर पाए, तो कल हम केक कट नहीं कर पाए, तो आज हमें करना, वो केक पड़ा हुआ है कल रात से और हम दोनों का मन है उस केक और वो है भी मंगो केक, मैंगो केक नहीं, मंगो मैंगो वाला केक, मैंगो वाला केक ये क्या होता है। तो हम दोनों की उस पर नीयत है बहुत गंदी वाली, जैसी वो कटा वैसी वो हमारे हाथ में कब्जा हुआ, क्या है?
जैसे हम उस पे कब्जा कर लेंगे ना, कब्जा नहीं, ये तो चाची के नाखून भी बड़े बड़े ऐसे, ऐसे ब्लैक पैंथर की तरह। वो कौन सा होता है जो नाखून निकाले तो चूसा भी होता है, ऐसे हमला करेंगे केक पे इतना सारा पीस निकाल के। जब मम्मा का बर्थडे था ना तब भी हमने ऐसे करा था। आवाज आ गई तो अब जाना पड़ेगा, तो फिर अभी बाद में बात करेंगे गैवी से। गाइस हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, मैंने तो रोटी खा ली, आपने खा ली रोटी? नहीं मैंने अभी नहीं खाई। मैं हम तो अब रजाई में बैठ गए, हम तो मजे कर रहे हैं, मौज हो रही है रजाई में। ये क्ले से खेल ले, पूरी इन्होंने मेरी क्ले ले ली। पूरी तो दे दी आपने, भी थोड़ी सी ले दी हुई है, थोड़ी सी ली। हाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, इसने कलर चेंज कर दिया क्ले का और मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए, पिंक पिंक हो गए हैं सारे। अब किसी के मुंह में मन लगाना प्लीज। ए आपको क्या लगता है अभी अपन को क्या करना चाहिए? अपन को पहले फोन को ऐसे पकड़ना चाहिए कि हम दोनों दिखे। अरे मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है। आपके हाथ लंबे नहीं, आपके हाथ छोटे हैं, आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि भारी लग जाता है आपको फोन। कभी मेरा कान दिखता है, कभी मेरा आधा मुंह दिखता है, कभी मेरा इधर से मुंह दिखता है हाँ, और कभी मेरा ऐसे मुंह दिखता है हाँ, और कभी तो कभार तो ऐसे ही दिखता है। मैंने बनाया लड्डू, लड्डू खा लो। अभी और गैवी देख रहे हैं मेरे व्लॉग। नहीं आप गैस करना ही किसका व्लॉग है? मेरा मेरा मेरा। क्या हुआ गैवी, इतनी आवाजें मारी है चाची चाची करके? इसको देख के सच में रोना आ गया, ये वाली वीडियो देख के। तो बाबर इसको देख रहा था? अरे इमोशनल है ना यार, एक बच्चा बड़ा इनोसेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से चाचू फिर दूर जाने वाले हैं। वो चाचू में जा रहे थे ना हाँ, उस वाले सीन देख के। अब रोना नहीं है देख भाई, ये वाली वीडियो देखो जाके जो गैवी रो रहा है देख के। तूने अभी तक देखी नहीं थी ये? चल इमोशनल नहीं होना ठीक है, चॉकलेट खानी है। नॉटी बॉय नॉटी बॉय। तो डिनर विनर करने के बाद हम खेल रहे थे लूडो तीनों बैठ के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि लूडो खेले। और बार बार मैं जीतती थी तो हम तीन चार बारी खेल चुके थे, तो इसके बाद हम खेल के केक कट करके और सो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको कल अपने नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय एवरीवन। जीत गई भाई, मैं जीत गई। लाल परी मैदान खड़ी, मेरे को मेरा रेड कलर ना फेवरेट है, मैं मतलब रेड कलर से जीतती हूँ हर बारी। लो उसके बाद कह रहे लो।